अडैप्ट वन सेल्फ टू किसी के व्यवहार को बदलना रूप या स्थितियों को बदलना आई डोंट थिंक शी विल एवर अडैप्ट हर सेल्फ टू दिस सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी इस स्थिति के लिए खुद को अनुकूल बनाएगी एड किसी चीज पर कोई चीज रखना या डालना यू शुड ऐड द लेमन जूस बिफोर बॉइलिंग दी एग्स अंडे सेकने से पहले आपको नींबू का रस डालना चाहिए एड ऑन किसी चीज को संलग्न या सम्मिलित करना सर आईव एडेड ऑन दस परसेंट सर्विस चार्ज इन योर बिल महोदय मैंने आपके बिल में दस परसेंट सेवा शुल्क जोड़ा है एट टू मात्रा या पूरक में वृद्धि वाई डिड यू एट टू मच सॉल्ट फूड आपने खाने में बहुत ज्यादा नमक क्यों डाला एट टुगेदर कुल या किसी चीज को संपूर्ण बनाने के लिए तत्व को मिलाना या जोड़ना वेन सिमेंट सॉइल एट टुगेदर मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल जब सीमेंट और मिट्टी एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत मजबूत दीवार बनाते हैं गणितीय कुल बनाना समझना एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देना वी एडेड हमने इसमें बिल जोड़ा ही एक्सप्लेन बट स्टोरी डज नॉट एडॉप उन्होंने समझाया लेकिन उनकी कहानी संतुष्ट नहीं करती है एडअप टू एक निश्चित परिणाम रहना या होना द टोटल कॉस्ट एडॉप टू दस हजार डॉलर कुल लागत डॉलर दस हजार तक जुड़ जाती है एम एट लक्ष्य बनाना या लक्षित करना द मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर पत्रिका का लक्ष्य किशोर है दे आर एमिंग एट रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय दस परसेंट वे लागत को दस परसेंट तक कम करने का लक्ष्य रखते हैं अलाउ फॉर योजना या गणना में कुछ शामिल करना आई डिट अलाउ फॉर दिस ट्रैफिक नाउ वी एम बींग लेट मुझे इतना ट्रैफिक होने का अंदाजा नहीं था अब हमें देरी हो रही है अलाउ ऑफ किसी चीज को संभावित बनाना या अनुमति देना द रूल्स डोंट अलाउ ऑफ एनी एक्सेप्शन नियम किसी भी अपवाद की अनुमति नहीं देते हैं एंगल फॉर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ पाने की कोशिश करना कीज बीन एंगलिंग फॉर माई इन्विटेशन बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू कम वह मेरे निमंत्रण पाने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह आए आंसर बैक किसी को अशिष्टता पूर्वक उत्तर देना आई वो शॉक्ट शी स्टार्टेड आंसरिंग बैक मैं हैरान रह गया जब उसने उसे वापस जवाब देना शुरू किया आंसर फॉर जिम्मेदार होना किसी की ओर से बोलना आई एम अंसर फॉर योर प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ योर अंसर फॉर आ फेलियर टू स्टार्टअप अ कंपनी कंपनी को स्टार्टअप करने में हमारी विफलता के लिए आप जवाब देंगे आग्यू डाउन किसी को चर्चा या बहस में हराना आई यू ट्राइंग टू आर्ग्यू मी डाउन बट आई विल नॉट क्या आप मुझसे बहस करके मुझे हारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा। argue out, समाधान खोजने के लिए किसी समस्या के बारे में बहस करना एज अ मैनेजर आई हैव टू आर्ग्यू आउट विद एम्प्लॉयर्स एक प्रबंधक के रूप में मुझे नियोक्ताओं के साथ बहस करनी होगी आस्क अबाउट किसी से या किसी चीज की जानकारी लेना आई थिंक यू शुड आस्क राहुल अबाउट मैटर मेरे ख्याल से आपको राहुल से जानकारी लेनी चाहिए आस्क आफ्टर किसी के कुशलक्षेम के बारे में पूछना रोहित आस्ट आफ्टर यू सो आई टोल्ड हिम you're फाइन रोहित ने तुम्हारी कुशलक्षेम पूछा तो मैंने उससे कहा तुम ठीक हो आस्क अराउंड किसी के घर जाने या आने के लिए पूछना आई आस्ट जॉन अराउंड वॉच मूवी मैंने जॉन को फिल्म देखने के लिए कहा ask for एक नकारात्मक प्रतिक्रिया को भड़काना या अनुरोध करना now she is asking for trouble अब वह परेशानियों को बढ़वा दे रही है i asked for the proposal मैंने प्रस्ताव मांगा ask in किसी को आमंत्रित करना she is at the door ask her in वह दरवाजे पर है उसे अंदर आने के लिए कहे। ask out किसी को खाने में आमंत्रित करना My girlfriend wanted to ask me out but was too shy. मेरी प्रेमिका मुझे बाहर खाने में बुलाना चाहा, लेकिन बहुत शर्मा रही थी ask over, आमंत्रित करना पापा कैन आई आस्ट माई फ्रेंड्स ओवर पापा क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित कर सकता हूँ ऑप्शनऑफ एक नीलामी में कुछ बेचना दे ऑप्शन ऑफ दर प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी संपत्ति को नीलाम कर दिया एक्विट ऑफ स्वतंत्र करना मुक्त करना द कल्प्रिट वॉज एक्विटेड ऑफ द क्राइम अपराधी को अपराध से बरी कर दिया गया well, स्वयं से अच्छा व्यवहार या आचरण करना शी acquitted herself very well and got rewards. उसने खुद को बहुत एक्ट age. एक जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करना Stop टॉकिंग फुलिशली एक्ट your एज मूर्खतापूर्ण तरीके से बात करना बंद करो अपनी जिम्मेदारी समझो एक्ट इन बैड फेथ निष्ठुर तरीके से कार्य करे आई वॉन्ट हेल्प हिम बट ही हूँ, लेकिन वह मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है एक्ट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट अचानक आवेग पर कार्य करना यू डोंट नीड टू एक्ट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको जल्दबाजी में काम करने की आवश्यकता नहीं है एड फ्यूल टू द फ्लेम्स मामलों को और बदतर बनाएं। अधिक सूजन महसूस करें सम डिबेट्स आर फ्यूल टू द फ्लेम्स कुछ बहस बात को बिगाड़ देती है एड इंसल्ट टू इंजरी किसी के साथ दूसरी बार बुरा व्यवहार करना डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी विद हा उसके साथ दोबारा बुरा व्यवहार न करें एजल वांस विथ्स हेड भ्रमित या मुग्ध होना द यूज ऑफ ड्रग्स ऑफ एन एडल्स वांस विथ ड्रग्स का उपयोग अक्सर एक बुद्धि को भ्रमित कर देती है आधिया टू समर्थन करना चिपकाना योजना का पालन करना फेवी क्विक कैन एडियर टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स फेवी क्विक अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ सकती है एडमिट ऑफ अनुमति देना हर बिहेवियर एडमिट ऑफ नो एक्सक्यूज उसका व्यवहार किसी बहाने को स्वीकार नहीं करता है अग्री विथ एक ही राय रखना दूसरे की तरह वी आर नॉट अग्री विथ हर प्रपोजल हम उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। आस्क नो क्वाटर बिना पैसे मांगे सम पीपल डजेंट हेल्प आस्क नो क्वार्टर कुछ लोग बिना पैसे मांगे मदद नहीं करते हैं अटेंड टू ध्यान रखना ध्यान से सुनना माई लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट सो इट इज डिफिकल्ट टू अटेंड टू ऑल पर्सनल प्रॉब्लम्स शी इज कमिंग अटेंड टू हर लेक्चर वह आ रही है उसके व्याख्यान में भाग लेगर इल भविष्य के लिए एक बुरा संकेत होना स्मोकिंग इज ऑगर इल फॉर यंगस्टर धूम्रपान युवा के लिए खराब है ऑगर वेल भविष्य के लिए अच्छा संकेत होना हार्ड वर्किंग इज ऑगर वेल फॉर योर फ्यूचर मेहंत आपके भविष्य के लिए अच्छा है अ बिग गन बड़ी हस्ती या जानी मानी हस्ती आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग गन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनना चाहता हूँ तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू